Hi friends, welcome back. Yeah, you guys must be wondering क्या है वो बीच में ना? I'll show you. That's the partition which I'm talking about. And that's my budgies. Beautiful. Alright, so क्या हुआ था? ठीक है, चलिए मैं थोड़ा flashback बोल रहा हूँ. सो बेसिकली मैं वैकेशन पे गया था एंड जब मैं वापस आया तो मेरा जो पाकुस है राइट हियर, इन्होंने मेरे एरोवानो को अटैक किया था. ओके, सो मैं इनको ट्रांसफ़र कर दिया था. मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट भी दिया था, एक्वेरियम पे मैंने इसको डाला था एंड मैंने बीच में एक पार्टीशन लगाया है. ओके, कैसे बनाया है मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ. सो ये फाइबर का एडवेस्टस है, ये आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा. इसमें आपको ड्रिल करना है, अदर आपके पास ड्रिल है तो ड्रिल कीजिए, नहीं तो आप की ले लीजिए. फिर इसको हॉट करके कोई भी फायर पे फिर इस पर होल्स बना लीजिए. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाया हूँ बहुत सारे, सो दैट वाटर इधर उधर आ सके. ओके, एंड फ्रेम के लिए आप पीवीसी यूज़ कीजिए, पीवीसी पाइप. अगर आपके पास पुराना पाइप है नहीं तो आप खरीद सकते हैं. एंड फिर इसको इस तरह से बांधने के लिए, से नीचे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, आप आयरन मत यूज़ कीजिए, ये यूज़ कीजिए. ओके, प्लास्टिक का जो आता है ये भी आपको हार्डवेयर का शॉप में मिल जाएगा बांधने के लिए. इससे क्या होगा, ये बहुत दिन तक लास्ट भी करेगा और जो आयरन रहता है वो उसमें रस्ट आ जाता है, पानी भी रेड कलर का हो जाएगा और वो जल्दी टूट जाएगा. अगर आपका फिशेस जैसे मेरा मॉन्स्टर फिश है वो इजीली फिर ब्रेक कर देगा. ठीक है, चलिए देखते हैं एरोवानो को किस तरह से मारा था. उसको सामने आने दीजिए. एंड मेरा बाकी जितने भी फिशेस था मैं सबको ट्रांसफ़र कर दिया हूँ. वो देखिए मेरा एलिगेटर गार बहुत ही बड़ा हो गया पहले से. ये देखिए एरोवानो, देख रहे हैं ना इसका फेस पे किस तरह से अटैक किया था. ये ठीक हो रहा है, धीरे धीरे हील हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. माय परून शार्क्स. ओके, सो फिलहाल ये सब फिशेस को मैं इधर रखा हूँ एंड ओनली रेड टेल कैटफिश एंड पाकू पिराना उनको मैं इस साइड पर रखा हूँ. देख लीजिए ये भी बहुत बड़ा हो गया, रेड टेल कैटफिश एंड माय बिग डॉग्स. मैं पहले सोचा था इसको कहीं डोनेट कर दूँ या किसी को दे दूँ, तो करेंटली इतना बड़ा पॉन्ड किसी के पास है नहीं जो रख पाएगा इनको, तो इसीलिए मैंने इसको पार्टीशन पे रखा है. एंड आफ्टर मे बी 6 to 5 months मैं ये पार्टीशन खोल दूँगा, जब तक एरोवाना हील नहीं हो जाता है. ओके, मैं कलकत्ता अभी जा नहीं पा रहा हूँ, कुछ और फिशेस मुझे लाना है. जब मैं जाऊँगा मैं और फिशेस लाऊँगा. ठीक है, एंड जो भी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं गैली स्ट्रीट का वीडियो बनाओ, भाई मैं गैली स्ट्रीट में तो नहीं रहता हूँ, मेरा घर बहुत ही दूर है कलकत्ता से. मैं नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली जाऊँगा जनवरी या फरवरी में, तब मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊँगा. और वीडियोस तो मेरे पास बहुत से है विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर. सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बोला था ना बहुत सारे मेरे गैलिफ के वीडियो मेरा अभी भी शूट है, डेट भी आप देख लीजिए आज का है. ठीक है, बट इन सब वीडियोस फोटोज में बस यही प्रॉब्लम है, सेलर का नंबर नहीं है. ठीक है, आपको दे दूँगा नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा. फिलहाल मेरे पास सेलर का नंबर नहीं है, फालतू में अपलोड करूँगा आप लोग मुझे मैसेज करेंगे सेलर का नंबर दो, सेलर का नंबर दो. एंड आई बिलीव ये सब सेलर हम लोग के ग्रुप्स में ऑलरेडी है, जो गैलिफ स्ट्रीट का ग्रुप है, तो आप प्लीज़ वो गैलिफ स्ट्रीट में ग्रुप में ज्वाइन कीजिए एंड पोस्ट कीजिए. ठीक है, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, क्वालिटी जर्मन शेफर्ड. ठीक है, डोबरमैन. तो इस तरह बहुत वीडियोस मेरे पास है, बट बस वही सेलर का प्रॉब्लम नहीं. अगर आपको ये सब वीडियोस देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, विदाउट सेलर है मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ. एंड अगर आपको विद सेलर चाहिए तो आप नेक्स्ट ईयर तक वेट कीजिए, तो उस टाइम मैं ट्राई करूँगा विद कॉन्टैक्ट नंबर वीडियोस बनाने का. मेरे पास कॉन्टैक्ट था जो भी मॉन्स्टर फिश सेलर है, लाइक एरोवाना, रेड टेल कैटफिश, पैरट फिश, एलिगेटर गार्ड. ठीक है, बहुत सारे लाला दा, आशीष दा, आकाश दा, गोपाल दा, बहुत सारे का नंबर था, सब नंबर मेरा डिलीट हो गया है. ठीक है, एंड बाय द वे प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये मेरा स्मॉल डेकोरेशन कैसा लग रहा है. आई लव कैट्स.
लवली पीकॉक। एंड ये लाइट्स मैंने दिवाली के लिए लगाया था। अभी भी मेरा घर पे बहुत गेस्ट है सो एकदम वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। एंड दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम भी है सो थोड़ा बिजी रहूँगा। सो इस वीडियो का मेरा मेन फोकस था आप लोग को दिखाना कैसे आप चीप देसी स्टाइल में आप पार्टीशन बना सकते हैं फॉर एक्वेरियम या फिर पॉन्ड। बहुत ही सिंपल है, 450 टू 490 रुपीस तक आ जाएगा। इसको मैंने कट किया है और ये एक्स्ट्रा पीस है उसका। ओके, आप ये वायर मत यूज़ कीजिए, इस तरह का वायर, इसमें रस्ट आ जाएगा एंड पानी भी रेड हो जाएगा। ओके या एंड जो पैरट फिश मेरा वहीं पर है, आप लोग ने शायद नहीं देखा, मैंने इंस्टाग्राम पे कल ही एक पोस्ट किया था। एंड जो चन्ना है वो भी उनके साथ ही है। ओके एंड वन थिंग आई फॉरगेट गाइस, अरवाना इजीली मरने वाला फिश नहीं है, ठीक है। आई हैव सीन बहुत सारे अरवाना के आग भी ख़राब हो जाते हैं, फेस भी जॉ जो रहता है ब्रेक हो जाता है, जैसे मेरा हुआ था, फिर भी ज़िंदा रहता है, खाना खाता है, स्विम करता है, ठीक है। मेन जो कॉज रहता है उनका डेथ होना, वो उनका जो बैक रहता है ना, जो बैकबोन रहता है, वो जब टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है तब अरवाना मर जाता है, ठीक है। उनको बचाना बहुत ही रिस्क रहता है। ओके, उनका स्केल खराब हो गया, ऊपर से स्केल उड़ गया, फिन्स डैमेज हो गया, आई खराब हो गया, जो बारबेल्स रहता है वो भी टूट जाता है कभी कभी, फिर वो अपने आप हील हो जाता है विद टाइम्स। ओके, मैं मेरा अरवाना का 2 दिन रॉक सॉल्ट ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद मैं छोड़ दिया, तो उसके बाद वो अपने आप ही हील होने लग गया है, ठीक है। पहले उसका क्रिटिकल सिचुएशन था जब मैं वैकेशन से आया था। सो दैट्स अ क्विक मैसेज। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं लाइट ऑफ कर दे रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा लगेगा। रात का टाइम बहुत अच्छा लगता है देखने में। ओके, आई नो थोड़ा ऑड लग रहा है यहाँ सामने में, देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है। और उधर का अब 12.5 फीट मान लीजिए, टोटल 14 फीट का है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा जब तक कि मेरा अरवाना हिल नहीं हो रहा है। ओके, अगर आप मेरे जैसे प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस करते हैं, कोई भी फिश आपको दूसरा फिश को मारता है या अटैक करता है, एंड अगर आप वो फिश को किसी को देना नहीं चाहते हैं, यू वांट टू कीप बोथ द फिशेस, तो दिस इज़ द बेस्ट चीप वे, ओके, टू मेक अ पार्टीशन। देखिए मेरा एलिगेटर गार्ड एंड टाइगर सोवेनोस, ब्यूटीफुल, गेट वेल सून अरवाना, और भी फिशेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो भी मुझसे बोल रहे भाई रेगुलर गल्फ स्ट्रीट में जाओ, भाई पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं जब पहले कलकत्ता में था, मैंने बोला उस टाइम मैं रेगुलर जाता था, तो उस टाइम मेरे पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं था। एनीवेज, मैं हम लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप अमर 2020 देखिए, ठीक है। वो मेरे बड़े भैया जैसे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, मेरे से भी बहुत पुराने यूट्यूबर है। वो रेगुलर आपको गल्फ स्ट्रीट का वीडियो छोड़ता है विथ कॉन्टैक्ट नंबर, आप प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए उनको, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको थोड़ा नॉलेज रिलेटेड वीडियोस चाहिए फिशेस के ऊपर, लाइक न्यू प्रोजेक्ट्स, ओके, सम ट्रिक्स, तो आप मेरे चैनल देख सकते हैं। मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है रेगुलर गल्फ स्ट्रीट का वीडियोस बनाना, ठीक है। वीडियोस मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम में क्लिप भी दिखा सकता हूँ।